अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी फरहा चौधरी एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लास्ट व्लॉग बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा, जो कि मेरी फ्रेंड की हल्दी का था। तो भाई आज मैं उसी की शादी के लिए मेहंदी लगवाने वाली हूँ और ये मेरा एक कोलैब भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सेकेंड कोलैब है। और ऐसी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आगे इंशाल्लाह और बढ़ती रहूँगी ऐसे। तो जो मेहंदी लगाने वाली हैं उनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर, उनकी आईडी वगैरह सब कुछ मेंशन कर दूँगी। बस वो आने वाली हैं रास्ते में और मैं नहावा के रेडी हो गई हूँ। और कुछ करूँ और आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जो जो मेरी नई ऑडियंस है जो मुझे देखती बट सब्सक्राइब नहीं करती और मेरी वीडियोज़ को लाइक नहीं करती, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करा करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा। और जिन लोगों ने करा है उनका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया दानी, शुक्रिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। चलती हूँ मैं अंदर, आप लोगों को मैं अपना पूरा फुल लुक दिखाती हूँ। पूरा फुल लुक क्या होता है, फुल लुक दिखाती हूँ। ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, जब भी मैं वीडियो शूट करने खड़ी होती हूँ तो कभी गाड़ी आती है, कभी कुछ, तो ये मेरे साथ चलता रहता है। क्योंकि मैं मोस्टली बाहर ही शूट करती हूँ, मतलब बालकनी में आके शूट करती हूँ। तो मैं आपको पूरा फुल लुक दिखाती हूँ। पूरा क्या होता है, फुल लुक दिखाती हूँ, चलिए चलते हैं। तो ये है मेरा फुल लुक, देख सकते हो। ये रही मैं, ज़्यादा हो गया ठीक है, क्यों मैंने अभी बाल बांध लिए हैं क्योंकि मैं जब मेहंदी लगवाऊँगी तो कुछ रील्स वगैरह भी शूट करूँगी। तो जब देखिएगा और बताना कैसा लग रहा है फुल लुक। मैंने ये नाइट सूट ही पहना क्योंकि नाइट सूट से ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ कोई नहीं होती, और मेहंदी लगाओ तो नाइट सूट पहन के लगाती हूँ मैं तो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। इसलिए मैंने ये ब्लैक कलर का नाइट सूट पहना है। तो मेरी मेहंदी आर्टिस्ट आ चुकी हैं, शाइस्ता नाम है इनका, और इनकी जो भी आईडी होगी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और इंस्टा पे भी अपनी स्टोरी पे मेंशन करूंगी और रील्स में भी कोलैब करूंगी। तो जो आगे अब लगाना हम स्टार्ट करते हैं, जो भी प्रोसेस होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इनका नंबर भी मेंशन कर सकती हूँ, तो इनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने हाईलाइट्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप जाके इनसे इंक्वायरी वगैरह ले सकते हो जिसको भी इंटरेस्ट होगा। बाकी हम स्टार्ट करते हैं, फिर आगे आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हो कि मेरी मेहंदी यहाँ तक लग चुकी है और कितनी प्यारी लग रही है। तभी पूरा हैंड कंप्लीट होता है फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तक की तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और आगे का पूरा दिखाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसी लग रही है। देखो एक एक डिज़ाइन गाइज़ आप लोग देख सकते हो कि कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये शाइस्ता लगा रही हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया आईडी वगैरह सब मैं मेंशन करने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लग रही है, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी लगी आप सबको, ठीक है। फरहीन ने नाश्ता वगैरह बना दिया है, लगा दिया, कॉफ़ी बनाई है, थैंक यू फरहीन की, ये मेरा साथ देने वाली तो इसने मेरा साथ दे दिया। और मेहंदी देखो यहाँ तक पहुँच चुकी है, कैसी लग रही है फरहीन? प्यारी लग रही है, प्यारी लग रही है ना, बहुत ही अच्छी लग रही है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लगने के बाद दिखाऊंगी अम्मी को। मुझे इनकी मेहंदी बहुत प्यारी लगी है, जैसा मुझे पसंद है, बहुत सफाई, बहुत क्लियरिटी है, बहुत ज़्यादा सफाई। और ये मैं लगा रही हूँ बुशरा की शादी के लिए। बुशरा की शादी परसों है, मतलब 16 तारीख को है, बट मैं आज ही लगा रही हूँ क्योंकि फिर इनके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं, क्योंकि कल मुझे मार्केट वगैरह जाना है फरहीन के साथ, तो वो सब भी शेयर। कल ही तो शादी है? परसों। अच्छा, हाँ, क्योंकि कल मुझे फिर मार्केट वगैरह भी जाना है क्योंकि मेरी ड्रेस की मैचिंग का अभी तक ज्वेलरी वगैरह नहीं आई है, तो वो चीज़ देखनी है मुझे। और यहाँ पे दुल्हन से ज्यादा ना उसकी याड़ियाँ ज्यादा एक्साइटेड होती है मेहंदी लगवाने के लिए। टाइम से मन कर रहा था और मेरे लगी भी नहीं थी काफी टाइम से, इसलिए मैं लगवा। तो एक हाथ पे मेहंदी फरहा की कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, मतलब भी बैक रह रहा है, बैक साइड रह रही है, और दूसरे हैंड पे लगना स्टार्ट हो गई है। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। सेकंड हैंड की स्टार्टिंग हो गई है। तो गाइज मेरे हाथ पे आप लोग देख सकते हो मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है फ्रंट पे, अभी बैक की रह गई है। आप देखो कितनी प्यारी मेहंदी लगी है, फरहीन थोड़ा जूम करके दिखा दियो, बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई है, बहुत ही प्यारी, और फर्स्ट टाइम मेरे इतनी अच्छी मेहंदी लगी है।
मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद आई है। अभी बैक की भी दिखाती हूँ, अभी फ्रंट तो कंप्लीट हो चुका है, बहुत देर में लगी है, पता नहीं ब्राइडल्स कैसे करती होंगी, पर बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई है। नहीं इतनी देर में भी नहीं लगी, वो तेरे को ड्रायर वगैरह नहीं मिल पा रहा था ना, इस वजह से थोड़ा सा फर अपने हाथ इसे कलर नहीं जाएगा, नहीं हीटर से कलर थोड़ा जाएगा, सूखेगी और मैं हीटर के पास बढ़ गई क्योंकि थोड़ी ठंड लग रही है, मेरा हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। और ये थोड़ी वैसी 3D बोलेंगे ना, 3D मेहंदी भी है, फ्लोरल तो ड्राई होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं हीटर वीटर थोड़ा ब्रेक पर है, वो लोग ब्राइडल्स नहीं बैठ जाती है, ऐसे बैठी बता रही बेचारी कैसे करती होंगी। तो गाइज मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो पीछे की भी कितनी प्यारी लगाई है उन्होंने और फ्रंट की भी, और वो जा चुकी हैं, ठीक है वो अब घर जा चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और जब इसका रंग आएगा तो वो भी मैं आपको कल शेयर कर दूंगी, इसमें ही ऐड कर दूंगी वीडियो, ठीक है। दिखा पूरी मेहंदी ऊपर करके। सो गाइज आप लोग देख सकते हो कि मेरे मेहंदी का कलर कितना प्यारा आया है, कितना अच्छा आया है, सुंदर सुशील आया है, और अभी तो बहुत लाइट है, मतलब होते होते और डार्क हो जाएगा। तो मैं अपना व्लॉग यहीं खत्म करती हूँ, और मैंने जिनसे लगवाई है मेहंदी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सब मेंशन कर दूंगी, उनके आईडी, उनका नंबर, सब कुछ, और इससे रिलेटेड रील्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा, कमेंट नहीं करा, तो सब कर दो। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और अब करते हैं हम अल्लाह हाफिज़।